हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे क्वाड की। जी हां, आज करंट अफेयर्स में सबसे पहले क्वाड के बारे में आपको बता दूं। क्वाड में चार कंट्री है। क्वाड का मतलब भी फोर होता है, ऐसा आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा या फिर अपने आप थ्री या फोर क्लास में ही आपने इस चीज़ को पढ़ लिया होगा। यहाँ से देख लीजिए, इंडिया इसका पार्ट है। यहाँ से आप देख पाओगे जापान इसका पार्ट है। यहाँ से देखिए, इंडिया से 2.5 से भी ज़्यादा टाइम्स जो है एरिया के अकॉर्डिंग ऑस्ट्रेलिया इंडिया से बड़ा है, ये भी इसका पार्ट है। और एक और कंट्री जो कि यूएसए है, मैप में आपको ऐसा नहीं दिखेगा, ये तीन कंट्री दिखेगी और ये चौथा कंट्री है यूएसए। ये चारों मिलकर क्वाड का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए, इनके चारों कंट्री के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान के, इन्होंने मीटिंग करी थी यूएन जनरल असेंबली में। तो ये न्यूज़ में शायद क्वेश्चन, न्यूज़ में ये है क्वेश्चन, तो एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। अब मैं नीचे आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछूंगा, गल्फ कॉपरेशन काउंसिल वाज ओरिजिनली फॉर्म बाय, किसके द्वारा ये जो है फॉर्म किया गया था। इन चारों ऑप्शंस में से कौन राइट होगा, नीचे कमेंट करके आप लोग जरूर से जरूर बताएं। आगे बढ़ते हैं और वेरी फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। देखिए, उससे पहले क्वाड के बारे में कुछ और चीज़ें जान लीजिए जो मैंने आपको बताया था। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और जापान इसका पार्ट है, तो इन चीज़ों को देख लीजिए। और ये आइडिया जो है ना, शिंजो आबे, या ये जी बिल्कुल मिल गया, शिंजो आबे ने 2007 में प्रपोज किया था और फाइनली बात बनी जहाँ पे चारों कंट्री चाइना के, देखो चाइना एक्चुअली क्या है ना, इस एरिया में देख लो आप, इस एरिया को इंडो पैसिफिक बोलते हैं, यहाँ पे अपना प्रभुत्व यानी कि थोड़ा सा यहाँ पे दादागिरी करना चाहता है, इसी को काउंटर करने के लिए क्वाड का फॉर्मेशन किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ों को हम लोग देखेंगे। उससे पहले आपको बता दूं, अगर आप मेरे हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हो आखिरी के समय में, अगर आप कुछ नहीं पढ़े हो और फाइनली कुछ तैयारी कर एग्ज़ाम में जाना चाहते हो और एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हो, मेरे हैंड रिटन नोट्स आपको 150 में मिल जाएंगे। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी और इंस्टा आईडी देख लीजिए, जिन्हें क्वेश्चन पेपर चाहिए या नोट्स चाहिए वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए, इंस्टा पे हो तो मुझे फॉलो कर लीजिए @imithunsingh। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, सबसे पहले G4 में कौन कौन सी कंट्रीज़ है वो देख लीजिए। आपको इंडिया का फ्लैग दिख जाएगा, ब्राज़ील का फ्लैग दिख जाएगा और ये दो फ्लैग जो है किस कंट्री का है, नीचे कमेंट करके आप लोग इन दोनों कंट्री का नाम बता दीजिए कि फ्लैग में कौन सा है। फ्लैग लिखकर आप बता दोगे इवन नंबर में, फ्लैग्स में जो है एक नंबर में आप इंडिया लिख दोगे, दो नंबर में ब्राज़ील, थ्री और फोर में इसी तरह से आप आंसर लिख दोगे। एक और क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेता हूँ, आपको बताना है 182 मेंबर ऑफ यूएन जो कि 1993 में बना था, वो कौन से कॉन्टिनेंट से आता था। इरोटीरिया जो है वो एशिया, अफ्रीका, यूरोप या ऑस्ट्रेलिया, इनमें से कौन से ये कॉन्टिनेंट से बिलोंग करता था, नीचे आपको कमेंट करके बताना है। दो क्वेश्चन मैंने पूछ लिए, अब आते हैं फाइनली इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। इन विच सिटी हैज़ अ वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर इनोग्रेटेड द थर्ड लोक मंथन प्रोग्राम। कोलकाता में इन्होंने किया था इनोग्रेशन, मुंबई में किया था, गुवाहाटी में या फिर चेन्नई में। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा, यहाँ से देख लीजिए, आप देख पाओगे ये आसाम में किया गया है, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुवाहाटी, गुवाहाटी आसाम में है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ से आप क्वेश्चन देख लो, इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट डुगोन कर्वेश से ये जो कन्वर्जन रिजर्व है ये कहाँ मिला हुआ है, आपको ये बताना है। तो देखिए, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, उड़ीसा में, केरला में। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है, यहाँ से आप देख पाओगे, ये देख लीजिए, ये जो रिजर्व है ना ये तमिलनाडु में पाया गया है। और ये स्टेट का जो म्यूजिकल इंडस्ट्री है ये भी याद रखिए, GI टैग जिसको मिला है, नरसिंह पैती, ये किस तरह से प्रोनंसिएशन करते हैं इसकी आई डोंट नो, बट इनको GI टैग मिला है। GI का मतलब होता है ज्योग्राफिकल आइडेंटिटीज़। तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताइएगा, ब्लैक राइस जो है ना वो कहाँ का GI टैग इसको मिला हुआ है, चावल काले, यहाँ से आपको मैं इमेज भी ऐड कर दूंगा एडिटिंग के समय, यहाँ से देख लीजिए ये राइस आपको कहाँ से मिलेगा, नीचे कमेंट करके आप लोग जरूर से जरूर बताइएगा। विच स्टेट हैज़ डिक्लेयर द फिफ्थ एलिफेंट सेंचुरी। देखिए आपको बताना है, ये जो अस्तगमलाई लैंडस्केप हुआ है, आपको बताना है कि वहाँ कौन स्टेट में ये फिफ्थ एलिफेंट सेंचुरी मिली है। तो इसका राइट आंसर क्या है, तमिलनाडु में ये सेंचुरी को किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड द कैजुअल लीव फॉर इट्स पुलिस। पुलिस के लिए जो है कैजुअल लीव को जो है बढ़ाया गया है, तमिलनाडु में, कर्नाटका में, केरला में या महाराष्ट्र में। इसका जो राइट आंसर होगा, यहाँ से आप देख पाओगे, यहाँ से देख लीजिए, एकनाथ शिंदे, यानी कि बात कहाँ से हो रही है, बात हो रही है महाराष्ट्र से। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, फिलहाल यहाँ के लिए महाराष्ट्र डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखिए कुछ और क्वेश्चन को देख लेते हैं। इन विच स्टेट द कंट्रीज फर्स्ट एजुकेशन टाउनशिप विल बी बिल्ड। तो ये उत्तर प्रदेश में टाउनशिप बिल्ड किया जाएगा।
इंडियाज फर्स्ट अमृत सरोवर हैज़ बिन इस्टेब्लिश्ड इन रामपुर ऑफ विच स्टेट। तो देखिए रामपुर उत्तर प्रदेश में है, और रामपुर से ना आप चीज़ों को रिलेट कर पाओगे। आज़म खान का नाम आपने सुन रखा होगा, इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो MLA भी हैं, सांसद भी बनते रहे हैं, वो इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं, और रामपुर को ऐसे आप याद रख सकते हो। फिलहाल अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन नेम्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस। किसको बनाया गया है गुड गवर्नेंस के लिए डायरेक्टर जनरल का पद दिया गया है? भारत लाल को, अतुल कुमार गोयल, संदीप बख्शी या शांतिलाल जैन? यहाँ से आप इसका आंसर देख पाओगे। रिटायर्ड गुजरात काडर के जो ऑफिसर हैं भरत लाल, उनको जो है यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है। इनकी फोटो भी आप यहाँ से देख पाओगे। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ये गुजरात कैडर से IAS ऑफिसर हैं। और कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं। हु हैज़ टेकन ओवर द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ PIB? तो सत्येंद्र प्रकाश इनका नाम है, जिनको PIB का डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। हु हैज़ बीन नेम्ड एज द न्यू MD एंड CEO ऑफ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज? आशीष चौहान, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इससे क्वेश्चन एक ना एक तो जरूर आएगा, तो VVIP से आप टिक कर लो, पेन पेपर पर जरूर नोट डाउन कर लीजिए। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इन विच स्टेट अडानी पोर्ट्स, देखिए अडानी यानी कि गौतम अडानी की बात हो रही है यहाँ पे। अडानी ना पूरे वर्ल्ड में पोर्ट को जो है वो खरीद, वहाँ पे जो है रेंट पे देते हैं, और कार्गो से वो जो है पैसे वसूलते हैं। तो अडानी पोर्ट हैज़ रिसेंटली गॉट 25,000 करोड़। ये जो पोर्ट है ताजपुर पोर्ट प्रोजेक्ट, ये कहाँ पर है ये बताना है आपको। तेलंगाना में है, महाराष्ट्र में है, वेस्ट बंगाल में है या उत्तर प्रदेश में है? तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो यहाँ से आप देख पाओगे, वेस्ट बंगाल में जो है ये इन्वेस्टमेंट प्लान की गई है। 3 बिलियन इसकी राशि भी कर दी गई है। देखिए उत्तर प्रदेश में कहीं से भी आपको कोस्टल एरिया मिलेगा नहीं, इसे आप तो ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते थे। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा वेस्ट बंगाल, जहाँ की चीफ मिनिस्टर कौन है? ममता बनर्जी। विच कंपनी हैज़ बिन गिवेन द माइक्रोसॉफ्ट पार्टनर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022? तो SCL को ये अवार्ड मिला हुआ है। एक और क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ इंट्रोड्यूस्ड इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली मैन्युफैक्चर्ड लिथियम आयन सेल? तो ओला ने इसे बनाया है, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिथियम आयन पर ये क्वेश्चन आ सकता है। और फाइनली प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ द डे की बारी है, आप लोगों से क्वेश्चन में पूछूंगा, नीचे आपको आंसर बताना है। द टाइम टेकन बाय अ पेंडुलम टू कंप्लीट वन एक्सेलरेशन इज कॉल्ड इट्स, इसको क्या बोला जाता है? मैक्सिमम स्पीड बोला जाता है, एवरेज स्पीड बोला जाता है, टाइम पीरियड बोला जाता है या टाइम इंटरवल बोला जाता है? नीचे कमेंट करके इसका सारे लोग आंसर दीजिएगा। एक बार फिर से मैं दोहरा दूं, 150 में आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे, जो कि आखिरी 10-15 दिनों के लिए काफ़ी फ्रूटफुल होंगे आपके लिए। अगर आपके पास कुछ नहीं है पढ़ने के लिए, प्लीज़ डू बाय। एंड वन मोर थिंग, यहाँ से मेरी ईमेल आईडी देख लो, yourmithunsingh@gmail.com पे मेल कर लीजिए। इंस्टा पे हो तो मुझे फॉलो कर लीजिए @imithunsingh। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। वीडियो को बहुत सारा प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ तो इसे इस चैनल को शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी कर लेना है अगर आपने नहीं किया है तो। धन्यवाद आप सभी का।